हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। अपन फिर आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले टॉप 5 अपकमिंग पैन इंडिया मूवी। मेरे को पता है जो इस लिस्ट में जो मूवी है वो सब की सब बहुत अच्छी कमाई करने वाली है ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए पहले पैन इंडिया मूवी बोल रहा हूँ। तो और जो इस लिस्ट में वो मूवी में रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, सिक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कि इसलिए। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में झगड़ने मत करना, मैं रैंकिंग नहीं है, ये सिर्फ रिलीज कब हो रही है डेट के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाती है मूवी कब्जा। इसका टीजर है, बहुत ही सही टीजर है, बिल्कुल KGF वाली वाइब दे रहा है। इसका बजट होने वाला है 120 crore, और इसमें अपने किच्चा सर, प्रकाश राज सर, मनोज बासल सर जैसे अच्छे एक्टर्स होने वाले हैं। और ये रिलीज होने वाली 17 मार्च 2023 में। मुझे लगता है ये मूवी काफ़ी अच्छा कमाई कराएगी, सिर्फ इंडिया में ही बल्कि नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी KGF वाली वाइब दे रही है। ये मूवी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की होने वाली है। इसमें नयनतारा मैम भी होने वाली है, आप लोग सबको पता ही है कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला मूवी को देखो। अब लिस्ट में अगली मूवी आ जाती है जेलर। ये रजनीकांत सर की एक कम्बाइन मूवी, मतलब बहुत टाइम के बाद मूवी है। ये उनकी 169वीं मूवी होने वाली है, जो कि रिलीज होगी 14 अप्रैल को। ये मूवी के डायरेक्टर हैं नेल्सन दीपक कुमार, और मेरे को लगता है ये मूवी काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस में पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। ये मेरी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, पर रजनी सर का क्रेज आप जानते ही हो कि 0% का कमबैक मूवी होने वाली बहुत टाइम के बाद। वही मूवी का अभी टीजर ट्रेलर कुछ नहीं आया है, पर जल्दी आ सकता है। तो ये मूवी आप सबको एक बार थिएटर जरूर जाके देखना चाहिए रिलीज होने के बाद। अब लिस्ट में अगली फिल्म आ जाती है PS2, जिसका PS1 तो आपको पता है कितना अच्छा सक्सेस किया था, 500 crore कमाए थे। तो मुझे लगता है PS2 भी बहुत अच्छा कमाने वाली है, जिसमें चोला डायनेस्टी का बाद में आगे और स्टोरी बनने वाली है, जिसमें विक्रम सर, ऐश्वर्या बच्चन हैं। और ये मूवी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कमाएगी, और PS1 से ज़्यादा तो कमाएगी, क्योंकि PS1 कुछ लोगों को पसंद नहीं, पर PS2 की स्टोरी मेरे ख्याल से और ज़्यादा वॉर दिखाई जाएगी, थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी मूवी होगी मेरे ख्याल से। तो देखते कैसी आती है मूवी की थिएटर में पिक्चर। चलिए अब बात अपने अगले नंबर की लिस्ट में। अगली मूवी आ जाती है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उस मूवी का नाम है सलार। प्रवास की ये मूवी होने वाली है। इसमें आदि पुरुष भी होने वाली थी, पर उसका ट्रेलर मतलब टीजर देखने के बाद मुझे नहीं लगता, पर वो मूवी फिर भी कमा सकती है। पर ये मूवी ज़रूर कमाएगी, क्योंकि इसमें प्रवास होने वाले हैं, और इसमें KGF के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये मूवी KGF से कनेक्ट हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये मूवी रिलीज़ होगी 28 सितंबर को, और ये मूवी मुझे लगता है बहुत अच्छा कमाएगी ऑल इंडिया वर्ल्ड में, क्योंकि प्रवास की पहली की मूवीज़ भी कमाती हैं। तो मेरे को लगता है ये भी मूवी कमाएगी पूरी पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में। अगर ये रूमर सही होगी कि मूवी KGF से कनेक्टेड होने वाली, तो सोचो अपन KGF 3rd पार्ट में क्या मज़ा आएगा प्रभास की और रॉकी भाई का देखने में। पर ये मूवी बहुत अच्छी चलने वाली है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। अब KGF यूनिवर्स के बाद आ जाता है अपना लोकी यूनिवर्स, यानी लोकी साज का यूनिवर्स। जो जैसे आपको पता है मूवी विक्रम आई थी, उनने अपना पूरा यूनिवर्स खड़ा किया, जिसमें अपने सूर्य भाई का कैमियो हुआ था। उसी से चलते ही अगली मूवी थेलेपति 67 यानी लियो मूवी, जिसका टाइटल मेरे ख्याल से कल ही रिलीज़ हुआ है, जिसमें संजय दत्त होने वाले हैं और अपने तेलपति सर होने वाले हैं। ये मूवी रिलीज़ होगी 28 अक्टूबर को। ये कंफर्म नहीं है कि ये लोकी यूनिवर्स अभी कनेक्टेड हुई, पर पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है कि चांसेस हाई है कि कनेक्टेड हो, और फिर फ्यूचर बहुत मज़ा आएगा आप लोकी यूनिवर्स को देखें तो, मतलब लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स को, कि इधर तेलपति सर, सूर्या, कीर्ति भाई, क्या ही मतलब फ्यूचर में मज़ा आएगा आपको आने वाली मूवीज़ देखने में। और मूवी बहुत ज़्यादा कमाने वाली है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट मूवी होगी ये इस साल की। तो देखते हैं क्या आप लोगों को सही आती है मूवी, मेरी प्रिडिक्शन है। अब अगली मूवी आ जाती है अपनी लिस्ट में पुष्पा द रूल, जैसे कि आपको पता है इसका ये 2nd पार्ट है पुष्पा द राइज का। ये 1st पार्ट आपको जैसे पता बहुत पसंद आया होगा, पर 1st पार्ट में अपन को दिखा नहीं फवाद और वर्सेस अल्लू अर्जुन सर की फाइट, पर 2nd पार्ट में पूरा यही होने वाला है इन दोनों का। इसके अलावा बहुत कमाल की उसमें वाले मूवमेंट्स आने वाले जब आप इसको थिएटर में देखोगे, और ये मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग मूवी होगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक इस साल की। ये मूवी रिलीज़ होगी 12 दिसंबर, यानी अभी कंफर्म नहीं, पर एंड में जाते जाते ये मूवी रिलीज़ होगी, और ये मूवी मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। और इसी के साथ अपने ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।
It's not your fault, but you don't.